हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल चौहान। आज हम बात करते हैं एनर्जी, ऊर्जा, ताकत, शक्ति, पावर। ये सभी ही ऊर्जा के ही पर्यायवाची। जो ऊर्जा होती है ना ही उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे एक बीज है जिसे जमीन में गाड़ दिया जाता है, जो कुछ समय पश्चात एक पेड़ के रूप में परिवर्तित होकर फल देने लगता है और उस फल को खाकर हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो वो एनर्जी जमीन के द्वारा, बीज के द्वारा, पौधे के द्वारा, फल के द्वारा आप तक पहुंची। ये जो प्रोसेस है एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, स्थानांतरण, यही मेन क्रिया है। हमारा जो शरीर है पांच तत्वों का बना, जो हमारी एनर्जी। अगर हम अपने शरीर की एनर्जी को डिवाइड करते तो वो इन पांच तत्वों में विभक्त होती। अग्नि, वायु, जल, गगन और समीर, ये पांच तत्व। और इन पांच तत्वों के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा निर्मित होती है। जो एनर्जी है वो एक्सटर्नल एनर्जी भी होती है और इंटरनल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी हमारी बंदूक की तरह, एक्सटर्नल एनर्जी हमारी राजनीति की ताकत, ये एक्सटर्नल पावर है। पैसे की पावर, राजनीति की पावर, नाम की पावर, ये सब एक्सटर्नल पावर है। और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती। तो ये जो ऊर्जा है वो आज किसी के पास, कल और किसी के पास पहुंच जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? हमें ऊर्जा को गेन करना चाहिए, लेना चाहिए। वो ऊर्जा हम प्राप्त कहां से कर सकते हैं? इस वातावरण से। इस वातावरण में वो पांच तत्व तो निहित ही है, उसके साथ साथ अनेकों चीजें, अनगिनत चीजें जो हम आंखों से देख सकते और कुछ आंखों से देख भी नहीं सकते, ऐसी ऊर्जा हमारे वातावरण में। यदि हम कोशिश करें, प्रयास करें, तो हम उस एनर्जी को गेन कर सकते और वही एनर्जी कहलाती है पॉजिटिव एनर्जी। अब वो एनर्जी
प्राप्त कैसे होती है, और प्राप्त होने के बाद उसके क्या फल मिलते हैं। तो प्राप्त कैसे होती है, इसका तरीका है प्रातः काल उठना। प्रातः काल उठने से जो वायु आप प्राप्त करते हैं, उस समय की वायु प्रदूषित नहीं होती और वो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती, एनर्जी प्रदान करती। भोजन, हमें इस प्रकार का भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्राप्त कर रहा है, जो हमारे शरीर को एनर्जी दे, पॉजिटिव एनर्जी दे। फास्ट फूड एनर्जी देते हैं और वो फैटी एनर्जी देते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं। सात्विक भोजन हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो हम जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जो पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, उससे हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, हमारा शरीर सकारात्मक होता है। अब हम और आगे बढ़े तो ईश्वर था, ईश्वर का ध्यान कोई भी कौन का हो, कोई भी धर्म का, किसी को भी याद करे, कोई भी शक्ति को, कोई भी पावर को, कोई भी एनर्जी। यदि हम उसको मानेंगे, उससे डरेंगे, तो यह हमारे लिए, क्योंकि यदि हम डरेंगे तो नेगेटिव एनर्जी की जगह पॉजिटिव एनर्जी गेन करेंगे। तो इसलिए हम ध्यान अति आवश्यक है, क्योंकि ध्यान के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी की समय सीमा होती है वो कम हो जाती है और आपको जल्दी प्राप्त होती। पॉजिटिव एनर्जी आपकी सोच को, आपके शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो है विकारों का द्वार। हम ये देखते हैं कि उसके पास पॉलिटिक्स की एनर्जी है, उसके पास धन की ताकत है, तो उसके पास वो एनर्जी है, पर जो एनर्जी आपको लेना चाहिए वो एनर्जी उसके पास नहीं। आप मानसिक रूप से सुकून में, वो एनर्जी उसके पास नहीं। आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे, वो एनर्जी शायद दूसरों के पास ना हो। आपको पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा इतनी संतुष्टता मिलेगी जो नेगेटिव एनर्जी के द्वारा संभव नहीं है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति एनर्जी गेन करना चाहता है,
वो किसी भी प्रकार की हो। आज हम स्कूल जाते कॉलेज जाते क्यों? एजुकेशन में कुछ गेन करने, एनर्जी गेन करने, और जब वो एनर्जी निकलती है दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो बाहर क्या आता है? बाहर आता है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि जो आप एनर्जी प्राप्त कर रहे थे वो नेगेटिव एनर्जी थी। अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी गेन की है, शिक्षा गेन की है, और आपने अच्छे तरीके से उसे पढ़ा है, लर्न किया है, फॉलो किया है, और आप इस मुकाम में पहुंचे हैं, आपने मेहनत लगी है, तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। और यदि वही एनर्जी आपको बिना मेहनत के द्वारा प्राप्त होती तो वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में कार्य करेगी, जो कई जगह हमें देखने को मिल रहा है। ये कारण सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी का, कि जो एनर्जी प्राप्त की गई बिना मेहनत के द्वारा वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए मेहनत लगती है, कर्म लगता है, कार्य लगता है। यदि आप सत्कर्मों के द्वारा एनर्जी गेन करते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और आप अगर किसी गलत तरीके से नेगेटिव एनर्जी के द्वारा आप कोई भी मुकाम प्राप्त करते हैं तो आपको नेगेटिव ही प्राप्त होगा। तो जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, हम सब प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहिए, पर उस शक्ति को, पावर को, एनर्जी को गेन करने के पहले एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि क्या वो पॉजिटिव एनर्जी है या निगेटिव। और अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो आपके लिए अति लाभदायक है, और यदि वो निगेटिव एनर्जी है तो आपके लिए घातक है, जो हमें दिखाई नहीं देते पर हमारे साथ कर दी। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि जो अपनी एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी रखिए, नेगेटिव एनर्जी आपको अपनी देखनी पड़ेगी। हमारे साथ क्या होता है कि जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमें पॉजिटिव लगती है, पर
दूसरों को नेगेटिव, तो हमें उस नजर से देखना है, हमें समझना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। और यदि आप प्रयास करेंगे, मैं कहता हूं आप आज से ही प्रयास करें और आप देखें आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी कैन होने लगे। इस एनर्जी को कैन करने का सबसे अच्छा तरीका है थॉट्स, विचार। आपके जो थॉट्स हैं वो सुविचार होने चाहिए। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। यदि आप अच्छे फल खाएंगे, अच्छी वस्तुएं खाएंगे, अच्छी चीज खाएंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। और अगर आप नकारात्मक भोजन खाएंगे तो आपको उसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी। आप मित्रों से जिस प्रकार के भी मित्र आपको मिलेंगे, यदि वो नकारात्मक है तो आपको नकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करना होगा। और यदि सकारात्मक है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो किसी भी कार्य को, अपने जीवन को, अपने विचार को हमेशा कोशिश करिए कि आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति, ना कि नकारात्मक। क्योंकि ऊर्जा तो सब जगह निहित है, वो सिर्फ परिवर्तित होगी, ना कि आपके द्वारा उत्पन्न या नष्ट। थैंक यू, नमस्कार।